नहीं, एपीसी जी कौन होते हैं सबकी जांच कराने वाले, पहले आप ये बताइए, पहले आप मुझे लीगली ये बात बताइए, एपी सिंह जी खुद एक क्रिमिनल है जो एक क्रिमिनल को घर में रखे हुए हैं, एपी सिंह जी कौन होते हैं पूरे हिंदुस्तान वालों के सबके भी? अदालत बोलेगी, अदालत से हम बिल्कुल, अदालत के लिए हम बेथावर हैं, अदालत बोलेगी कि भाई सबकी जांच होनी चाहिए तो हम बिल्कुल तैयार है। एपी सिंह कौन होते हैं? एपी सिंह जी को किसने राइट दिया? नमस्कार नमस्कार शर्मा जी, एपी सिंह जी को किसने राइट दिया? एपी सिंह जी करवाए अपनी बहन की और अपनी, सबसे पहले तो एपी सिंह जी आपकी वो होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। आपने एक स्पाई को घर में रखा हुआ, आपने एक उसको घर में किडनैपर को घर में रखा हुआ है, आप उसकी, आप अभी तक उसमें वकील नहीं है वकालत थाना में, आप हर जगह बोल रहे हैं कि आप वकील हैं, इस पर भी आपसे धारा बनती है, आप लोगों को अभी भी बरगला रहे हैं, अभी भी अपनी बहन से झूठ बोल रहे हैं, बहन तो क्या ही है, वो बहन तो वो किसकी है जिसके साथ में 9 साल तक रिलेशन बढ़े उसको भाई बना दिया उसने, तो वो तो पता नहीं, वो तो पतियों को भी भाई बना देती है, उसको तो क्या, उसको तो बोलना ही क्या है उस बेगैरत औरत को। लेकिन आप होते कौन है लोगों पे मोबाइल मैलेज करते जांच करवाने वाले और यूट्यूबरों पे जांच करवाने वाले, सोशल वर्करों पे जांच करवाने वाले, हु आर यू मिस्टर एपी सिंह जी? आपको हमने ये राइट नहीं दिया, आप अदालत नहीं है, आप कानून से ऊपर नहीं है, आप कानून नहीं है, आप संविधान नहीं है, आप तो नथिंग हो, आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो जितनी क्रिमिनल सीमा है उससे ज्यादा आप हो, क्योंकि आपने 4 बच्चों की लाइफ खराब कर दी है, 4 बच्चों की लाइफ आपने स्पॉइल कर दी है, उनका 1 साल बर्बाद कर दिया है, उनको आपने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के राह पे चलने के लिए मजबूर कर दिया है, जो कि अभी तक उनका धर्म परिवर्तन हुआ नहीं है, आपके अकॉर्डिंग हो गया है, आपके अकॉर्डिंग हो गया है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो आप कौन होते हो किसी की भी जांच करवाने वाले? मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन होते हो? हमारी अदालतें करवाएंगी? आप कौन होते हो किसी की भी? आप अपनी बहन, और आप बोलते हो एपी सिंह जी इतना झूठ है, मत बोलिए कितना झूठ बोलते, कितने झूठे हो आप। मोमिन सर ने जो ऑडियो लीक की, उस ऑडियो में अगर आप इतने सच्चे हो, आप सच में ही वकील हो, आपने वकालत पढ़ी है, मैं आपको चैलेंज देती हूँ, जितनी मोमिन सर की और उसकी बात हुई है, क्या बोलते हैं, जो ऑडियो में बात हुई है, उसमें आप कहीं पे भी हैदर भाई की एक भी बार हैदर भाई की आवाज बता दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि आप असली वो हैं। चलिए, हम निर्भया के केस के बाद, अब ये आपको मैं चैलेंज देती हूँ आपको, कि आप उस ऑडियो में बीच में आप मनोज मस्ताना से जबरदस्ती बोल रहे थे ना, वही वहां सुनो, वो आएगा हिंदुस्तान तक गिरफ्तार होगा, आपकी क्या हिम्मत है उसको गिरफ्तार करने की? आप होते कौन उसको गिरफ्तार करने वाले? आपको किसने हक दिया है? आपकी वो जो बहन है, वो बोली बहन है, बहन भी नहीं है वो आपकी, समझे ना, आपको पता है ना कि आपके हर जगह वीडियो चले गए हैं, आपके हर जगह वीडियो चले गए हैं, आपकी बहन भी नहीं है वो, आप कौन होते हो बोलने वाले कि वो क्रिमिनल है, वो आतंकवादी है, आतंकवादियों के बच्चों को तो आपने यहाँ रखा हुआ है, मतलब हम लोग पाकिस्तान में पास गए, आपकी जलती है, आपकी फूकती है, आप अगर पाकिस्तानी को यहाँ रखो तो वो कानून में लिखा हुआ है। अरे सर, हमारे मुंह से गलत मत सुनिए, बहुत गलत सुन लिए आप 1 साल से, ठीक है ना, अब गलत मत सुनिए आप हमारे मुंह से, और ना हमें गलत बोलने का वो दीजिए आप। हेलो सरिता जी, हेलो हेलो एवरीवन गाइस, तो हमें बिल्कुल गलत बोलने का वो मत दीजिए। एपी सिंह जी झूठ, आपका जो झूठ है ना उसको हम यूं पकड़ लेते हैं, यूं समझे ना, वहां अगर आप हैदर भाई की आवाज दिखा देते हैं तो हम मान जाएंगे कि आप हो कुछ, आप एक जीरो के बराबर हो बड़ी, आप एक जीरो के बराबर हो, हम आपको नहीं समझते कुछ भी। क्यों नहीं समझते? क्योंकि निर्भया के केस में से और अब इस केस में आपने जो हिंदुस्तानियों के दिलों से खेला है, दिमाग से खेला है, उनकी भावनाओं से खेला है ना, हम नहीं मानते हैं कि हमें आपको इतनी तवज्जो देनी चाहिए, आप इतने तवज्जो देने लायक हैं भी नहीं, और आप झूठ तो बोलिए मत, और आप किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी हिंदुस्तानी की, किसी भी हिंदुस्तान के इंसान के जो इस केस में आवाज उठा रहे हैं, जांच करवाने वाले आप होते कौन है, आपको किसने राइट दिया है? हमारी जांच एजेंसियां अपने आप बोलेंगी, हमारी अदालतें बोलेंगी, आपकी तो सबसे पहले होनी चाहिए। अभी आप रुकिए, होल्ड डाउन, बिल्कुल आप बिल्कुल ठंडा पानी पी के आराम से
आप जो रोड के किनारे बैठ के जो बोल रहे थे ना कि मोहन सर की जांच होनी चाहिए, उसमें जिस बंदे की आवाज है उसकी जांच होनी चाहिए, वो एक साल तक कहाँ था? तो टाइम फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी अपनी बहुड़ी को पूछिए, एक साल से वो बंदा चीख रहा है, ठीक है ना, पाकिस्तान के एक चैनल पे एक साल से वो बंदा चीख रहा है कि भाई ये ऐसी ऐसी है, ये मेरे साल में, ये मेरे साल मेरे साथ में है, अगर भाई भी चला गया है तो ये मेरे साथ में है, वो बंदा अपने, वो बंदा अपनी उस पे टिका हुआ है, वो बंदा ना झूठ बोल रहा है ना मना कर रहा है, वो बंदा कह रहा है कि हाँ भैया नौ साल तक मेरे साथ रिलेशन में थी, और ये बेगैरत औरत हिंदू मुस्लिम कर रही है यहाँ, और आप हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं इससे, आप करवा रहे हैं, आप पीओपी की इस पे स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं, आप अपने आप को समझते क्या हो? आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं जी जी, आप कानून का रखवाले हैं, तो कम से कम कानून को हाथ में मत लीजिए, इस बार आपके बचने का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना, भूल जाइए। जब आप सीमा कुशवाहा जी को वो करते थे ना उस केस में, आप उनको डराते थे, यहाँ पे मोमिन मलिक सर है, यहाँ मोमिन मलिक सर नहीं डरते हैं, और यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान की बहने वो हैं जो हर फील्ड में अपनी वो करना जानते हैं। अगर इस केस में हमारे हिंदुस्तान की बहनों ने भाइयों ने अगर ये लिया है कि भाई हमने इस केस में कूदना है, तो वो अपनी वो करना जानते हैं, रक्षा करना जानते हैं। आप जैसों की तो पूछ, आपको तो कोई पूछता भी नहीं है, समझे ना आप? आप बोलते हो उस पे भी केस होना चाहिए, उस पे भी, आपको क्या बीज के लिए रखना है कि कल को कोई और बच्ची का बलात्कार होगा? और आपको, आपको श्री कृष्ण की उपाधि दी है, कैसे श्री कृष्ण हो आप? इसका चीर हरण, ये कह रही कि द्रौपदी का तो चीर हरण एक बार हुआ, मेरा तो बार बार, अरे तो चीर हरण करने लायक ही है, तू तो हमेशा अपना चीर हरण करवाती है, फिर तू तो तू इतना वो क्यों कर रही है? तू तो खुद करवाती है अपना चीर हरण, और उनको बोल रही है तो कि वो है श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण दूर दूर तक, श्री कृष्ण जी का नाम भी मत लेना उनके सामने। अपने ही हिंदुस्तान की एक बेटी की, जो एक बेटी का बलात्कार हुआ था, उसके जो अपोजिट में थे उनके लिए लड़े, लेकिन उस बच्ची के लिए नहीं लड़े। तो श्री कृष्ण जी इस तरह के गंदे काम नहीं करते हैं जैसे एपी सिंह जी आप करते हैं, समझे जी जी। और किसी के लिए दोबारा बोल मत देना, पहले बता रही एपी सिंह जी, 27 तारीख को पता चल रहा है कि मैं भी अभी वही आ रही हूँ, ठीक है ना, पता चल रहा कि 27 तारीख को हम लोग भी आ रहे हैं कोर्ट में, फिर वही हो जाएगी अच्छी तरह मुठभेड़, समझे ना। तुम लाओ अपनी तरफ से पत्रकार कितने लाते हो, हम खुद अपने पत्रकार भी हैं, खुद हम अपने वकील भी हैं, समझे ना। बकवास उतनी करनी है जितनी मनोज मस्ताना को सूट हो, पब्लिक को सूट हो, ये पब्लिक को डाइजेस्ट नहीं होती आपकी बकवास, किसी को भी नहीं। पब्लिक के लिए जो आप गलत बोलते हो ना, ये पहले ये देखो कि आप पब्लिक के लिए क्या बोल रहे हो। आप बोल रहे हो पब्लिक के लिए कि ये फलानों के चैनल पे जाते हैं, उनके चैनलों पे बात करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों के चैनल पे आप गए थे, अब क्या करने गए थे आप? अब तो आप मिठाई खाने गए थे वहाँ। अरे आप तो गए थे सरिता सिस्टर, ये तो पाकिस्तानी का केस ही लड़ रहे हैं। नहीं वो चैनलों की बात भी कर रहे हैं, दूसरी बात हम अगर हैदर भाई के बच्चों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, तो आपने तो पाकिस्तानी यहाँ बिठा रखी है, आपने, आप आतंकवादी बोल रहे हैं ना कि भाई ये मनोज मस्ताना ने आपसे पूछा कि 10 तारीख को आ रहे हैं। अरे मनोज मस्ताना दे सुन, तेरे को भी बोल रही हूँ, आप तो बकवास बोल कराकर एक रिपोर्टर की तरह रिपोर्टिंग कराकर, तू कभी चीखता चिल्लाता है, कभी कुछ करता है, रिपोर्टिंग क्या कर रहा है तू? रिपोर्टिंग करनी नहीं आती है ना तो मत कर, रिपोर्टिंग ऐसा करता है जैसे पता नहीं उसके उनके सर पे चढ़ जाएगा, ये जैसे कि दोनों को दोनों खेल खेल रहे हैं। अबे रिपोर्टर कैसे होते हैं पता नहीं है? रिपोर्टिंग रिपोर्टरों की तरह कराकर, ठीक है, वहां उसकी गोद में बैठने की जरूरत नहीं है। दूसरा तुम लोग ऐसे करते हो एक दूसरे को, जैसे कि पता नहीं तुम लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हो, रिपोर्टिंग करने का मतलब क्या होता है? मैं मनोज मस्ताना आपको भी बोल रही हूँ, रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग की तरह करो, ठीक है ना, और उस तरह करो, जायज करो, नाजायज नहीं। क्योंकि हम लोग अगर उस 4 बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, तो हम सिर्फ उन 4 बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और एपी सिंह जी ने वो भगोड़ी यहाँ बिठा रखी है। तो जब अगर वो हैदर भाई अगर क्रिमिनल वो है, क्या बोलते हैं, आतंकवादी है, तो उनके बच्चे क्या होंगे? उनके बच्चे क्या होंगे? उनके बच्चे को क्यों रखा हुआ है? ये कहाँ का मामू है?
ये वो वाले मामू नहीं, ये टोपी पहनाने वाले मामू है। जब तक अपना काम बनता उसके बाद बाहर में जाए जनता, जब ये जेल में जाएगी उसके बाद में पूछने वाले ए पी सिंह जी उसको। ए पी सिंह जी आपके लिए बोल रही हूँ, माइंड योर लैंग्वेज। हर इंसान को अपनी तरह मत समझना आप, हर इंसान को अपनी तरह समझते हैं। किसी पे भी आपका कोई हक नहीं बनता है किसी के ऊपर भी उंगली उठाने का, क्योंकि तीन उंगलियां आपकी गिरोवान में झांक रही है आपकी तरफ।